हैं, जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा? इसके बारे में तो हम लोगों ने सदन में सरकार से कई बार जो है हम लोगों ने जानकारी भी दी है, आवाज़ भी उठाया है। जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, कल बिहार के 283 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी पीटी की एग्जाम हुई और देर शाम तक इस परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया। बिहार के कुल लगभग 6 लाख के करीब अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, 1,82,000 के करीब लड़कियां इस परीक्षा में शामिल हुई, लेकिन देर शाम होते होते परीक्षा को रद्द कर दिया गया क्योंकि परीक्षा शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार में जो भी परीक्षाएँ होती है उसकी क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, इसमें क्या सिस्टम के लोग शामिल है? आखिरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? जिन छात्रों ने परिश्रम करी और दूर दूर जाकर परीक्षा दिए उसमें कई तरह के खर्च भी आए, परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन देर शाम होते होते बीपीएससी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया, तो आखिरकार छात्रों को उनकी मुआवजा कहां से मिलेगा? ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, बिहार में 67वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द किए जाने को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार से मांग की है कि प्रत्येक अभ्यर्थियों को 5,000 रुपए की मुआवजा सरकार दे। साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग नहीं है बल्कि बिहार लोक पेपर लीक आयोग है। क्या कुछ कह रहे बिहार के नेता प्रतिपक्ष, जरा सुनिए। बीपीएससी के एग्जाम जो हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हो गया, कैसे देखते हैं? अति दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, दुखद है। हम सबों को, जितने छात्र हैं जो पेपर लीक हुआ रद्द हुआ, इसका दर्द है। और आप लोग कल्पना कर सकते हैं जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा? कितने परीक्षाएं हैं, चाहे बोर्ड का परीक्षा होता है तो उसमें भी जो है पेपर लीक होता है। और पेपर लीक के बारे में तो हम लोगों ने सदन में सरकार से कई बार जो है हम लोगों ने जानकारी भी दी है, आवाज़ भी उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग जो हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये साफ तौर पे देश बिहार के जो नौजवान छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम सब लोग जो भी दोषी है एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को सज़ा देनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखते होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, दुखद घटना क्या हो सकती है? यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को हम लोगों ने पहले भी कहा है, अब भी हम लोग कह रहे हैं कि सुधर जाइए, वरना देश के नौजवान देख रहे और भुगत रहे हैं, आने वाले समय में अंजाम जो है बुरा होगा। इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जानकारी भी नहीं थी। आप जानकारी क्या चीज की होती है, आप तो जान ही रहे हैं सारी बातें। कोई भी बात आती है तो मालूम कहाँ होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि इतना गंभीर मसला है
यानी ये दर्शाता है कि सरकार जो है इस सवाल के प्रति गंभीर नहीं है। तो किन मसलों को लेकर के गंभीर है? लोग अपनी चिंता में हैं, सरकार, नौजवान, छात्र, बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा, इसकी कोई चिंता नहीं है? बताइए, दो दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, क्या कर रहे हैं भाई? केंद्र में, बिहार में एक ही गठबंधन की सरकार है, यही न्यू बिहार बना रहे हैं, यही न्यू इंडिया बना रहे हैं। या इसका मतलब उनसे पूछिएगा तो क्या विकास होता है? यही है विकास? शायद महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अपराध, भ्रष्टाचार, ये भाजपा और इन लोगों के नज़र में ये विकास होता है। विकास की सही परिभाषा बीजेपी वालों के लिए, डबल इंजन वालों के लिए यही है। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। बिहार में 67वीं बीपीएससी परीक्षा कल हुई और रद्द भी हो गई। बिहार के छात्रों को पहले वैकेंसी के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर डेट के लिए, फिर एग्जाम के लिए, और अब तो परीक्षा रद्द हो गए। तो जरा उनके भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उसके जिम्मेवार कौन है, इसका नाम सिस्टम में बैठे लोग अगर देख रहे हैं तो बताएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग नहीं बल्कि बिहार लोक पेपर लीक आयोग है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।